पूर्व एसडीएम व टीम द्वारा नगर के नवलपुरा में उज्जवल मेडिकल फाउंडेशन एनजीओ द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में पहुंचकर जांच करने पर पाया गया कि किराए पर वृद्ध महिलाओं को लाकर वृद्ध आश्रम में कागजों पर खाना पूर्ति की जा रही थी। वहीं जांच उपरांत कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई कर सामाजिक न्याय विभाग के बाबू मनोज राउत को एनजीओ में मिलीभगत कर शासन को हानि पहुंचाने पर सस्पेंड कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 के कर्मी मनोज राउत ने अशासकीय संस्था उज्जवल मेडिकल फाउंडेशन बड़वानी के नवलपुरा में संचालित वृद्धा आश्रम को 11,44,225 रुपए का अनुदान स्वीकृत कराने की नस्ती बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के शासन को प्रेषित की, जिसके कारण उक्त संस्था में विद्यमान अनियमितताओं के बावजूद उक्त अनुदान स्वीकृत हुआ, जिसमें शासन को लाखों रुपए की क्षति पहुंची। इतना ही नहीं, उक्त कर्मी ने संस्था के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का उल्लेख नस्ती पर न करते हुए अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 41,21,000 रुपए के लिए केंद्रीय अनुदान हेतु नस्ती प्रस्तावित कर दी थी। अगर अधिकारी समय पर इस धोखाधड़ी को नहीं पकड़ पाते तो शासन को अगले वित्तीय वर्ष में 41,21,000 रुपए की और क्षति उठाना पड़ती, जिसके बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कड़ी कार्रवाई कर बाबू मनोज राउत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। वहीं वृद्धाश्रम संचालक पर FIR कराने के आदेश दिए हैं। एक समिति ने, जिसमें SDM और महिला बाल विकास का सहायक संचालक और उप संचालक महिला सामाजिक न्याय, इन तीनों की कमेटी बनाकर के जांच कराई थी। उनके द्वारा आज रिपोर्ट दी है। उसमें रिपोर्ट में उल्लेख किया हुआ है कि वृद्धाश्रम के नाम से कुछ महिलाओं को किराए पर रख करके फर्जी रूप से संचालन किया जा रहा था। उसमें आज ये रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, तो उसमें देखा गया है कि उसमें जो डीलिंग क्लर्क है, इसने शासन को दो बार रिपोर्ट भिजवाई है अपने सेक्शन से। उसमें कलेक्टर के माध्यम से रिपोर्ट जानी थी, परंतु रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से नहीं गई है, तो उसके बाद यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है। बाकी इसमें जो संचालक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, और जिन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।